Jama Masjid Aqsa Manqabat Manqabat yahan gaib wale mahfil ke silsile munaqid hote rehte hain alhamdulillah ek bar tawakkul mujhe aqeel faqeer par tawseel ki hazri ho rahi hai aur bade mohabbat wale ye log hain aur pehli martaba jab aaya tabhi andaaza hua ki bhai mashallah jungle mein bhi mangal hai aur aam taur par is tarah ke andar wale ilaqon mein aane ka mauka nahi milta yahan sabzi mandi ilaaj society chandni chowk yahan to aam taur par mahfil hoti rehti hai lekin andar mein bhi mashallah duniya abad hai aur wo is shauk ke sath chalne wali hai ye jab main pehli martaba aaya tab mujhe aakar maloom hua phir aur doston se raqabat badi mashallah mohabbat hui arshad bhai pehle hamare yahan ke mezban hain phir sain allah bachaye sabko jinke saath aaj main yahan pahuncha hu to inke yahan bhi aan jaane ka mauka mila inki apni society mein to wahan bhi mashallah सुनने वाले शौक रखने वाले लोग बल्कि खुद भी माशाल्लाह इतने आशिक हैं कि जब इनकी महफिल की तो अंदाजा हुआ तो सारे मोहब्बत वाले लोग हैं अल्लाह पाक सबको सलामत रखे बस यही एक वजह है कि आमतौर पर इस वक्त में महफिल करने से हम जो है वो महफिल तो आशुरे का दिन तो ऐसा होता है कि ये वक्त तो सोकर गुजारने का नहीं होता लेकिन इसके अलावा मैं महफिल के लिए माजरत इस तरह कर लेता हूँ कि ज्यादा पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन मैंने आपको बताया लाइव जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं ये बता रहा हूँ कि माशाल्लाह इतनी मोहब्बत के साथ ये सुनते हैं कि मैं अभी अपनी मसरूफियत बता रहा था रात से फिर कल भी शाम से मामला थे पढ़ाई के फिर पूरी रात पढ़ना फिर सात साढ़े सात बजे के बाद सोना फिर सौर के बाद भी महफिल है और फिर असर के बाद भी जगह चूंकि बड़े रात में बड़े दिनों में ये मसरूफियात रहती है तो आमतौर पर सुबह ज्यादा पढ़ने से अवॉइड करते हैं फिर यहाँ आकर मेरा दिल मुतमईन हो गया एक तो सुनने वाले लोग पढ़ने वाले एक गैदरिंग और फिर साउंड चलाने वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं तो ये इनकी तारीफ बनती है माशाल्लाह पंजाब तरीक को साउंड वाले तो आज का माशाल्लाह ये सिर्फ साउंड और प्रिंट नहीं करे बल्कि आज साथ में पढ़ भी रहेंगे तो इन्होंने देखा कि आप साहब के साथ कोई साथी आया नहीं है तो चले हम भी शामिल हो जाते हैं तो बरकत ले रहे हैं फिर लाइव भी इन्होंने शुरू किया है माशाल्लाह तीन काम एक साथ कर रहे हैं अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए और मैं इंशाल्लाह कुछ आपके शौक की नजर करता हूँ एक मेरे जहन में बात आई है अगर आप इजाजत दें तो दुआए आशुरा में पढ़ लूँ मैं दुआए आशुरा की बड़ी बरकत है हम आमतौर पर अपनी मस्जिद में महफिल रखते हैं तो ये सिलसिला जरूर रखते हैं कि दुआए आशुरा हम पढ़ लें इसकी फजीलत ऐसे तो मुख्तलिफ फजीलतें हैं सनत पर भी कराता लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है और क्या है सीधी सी एक दुआ है कि जिसमें अल्लाह की बारगाह में इत्तला की गई है फजीलत इसकी ये बताई जाती है कि जो कोई आशुरे के दिन इसे पढ़ लेता है दिन के वक्त में जिस अंदाज से लिखी हुई है इस तरीके से पढ़ लेता है अल्लाह तबारक तआला का ही जाता है बुजुर्गों से मंजूर है का ही जाता है अल्लाह तबारक तआला उसे साल भर की जिंदगी का बीमा अता कर देता है इंश्योरेंस मिल जाती है यानी जो कोई आशुरे में से पढ़े अगले आशुरे तक अल्लाह ने चाहा तो उसे कोई हादसा की मौत नहीं पहुंची ये बुजुर्ग बताते हैं और अगर इनके उस साल उसका इंतकाल होना लिखा तो उसे पढ़ने की तौफीक किसी वजह से नहीं मिली ये कहते हैं तो हम भी पढ़ लेते हैं इसलिए ऐसे कि अल्लाह तबारक तआला खैर खूबी और आफियत के साथ अपनी इबादत के लिए अल्लाह पाक हमें तवील उम्र अता फरमाए पांच सात मिनट लेंगे इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह उर्दू नातों की तरफ आते हैं दुरूद पाक पढ़े जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आमिल जूदि व करबारी वाले मुस्लिम एक हिसाब में पढ़ना है और उसके बाद सात मरतबा ये दुआए आशुरा हमने पढ़ लेनी है सात मरतबा ये जो एक एक हिस्सा है उसको हमने पढ़ना है बाकी पूरा मुकम्मल हिस्सा वो एक मरतबा हम तिलावत करेंगे صلى الله وسلم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء يا فارغ قلب المؤمن يوم عاشوراء يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا مضيف إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء
علينا نسألك السلامة ونعمرك يا أرحم الراحمين الله حسبنا ونعم الوكيل يا رب المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على الأرض وعلى الوجود وعلى معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله بالميزان والضعف وقبل قبل الله وزيد العرش لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه سبحان الله